दोस्तों, अल हबीबी वल्ला वल्ला, ये खबर जुड़ी हुई है सऊदी अरब के शेखों से। दोस्तों, सऊदी अरब के शेखों ने बहुत दादागिरी कर ली है, नोट छाप छाप कर दिए दोस्तों, बहुत इन्होंने मीनारे खड़ी कर दी हैं। लेकिन अभी दोस्तों इनकी दादागिरी खत्म होने का एक समय आ गया है और धीरे धीरे इनकी कमाई भी अब कम होने वाली है। दोस्तों, आज की ये न्यूज जानोगे, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से विदेशों में सऊदी अरब के शेखों का धंधा चौपट होता जा रहा है। और वो सऊदी अरेबिया जो दुनिया के टॉप के देशों के अंदर अपना सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता था, आजकल उन देशों में उसे तेल बेचने के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं मामले को। बहुत दिलचस्प वीडियो होने जा रही है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही भारत से एक खबर आई थी, 15 जून का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया था कि रशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर हो गया है और भारत ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ दिया है। दोस्तों, पहले पर हम तेल खरीदते हैं इराक से, फिर खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, और फिर ऐसे अलग अलग देशों से हम तेल खरीदते हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया तीसरे पर हो गया है और दूसरे नंबर पर रशिया हो गया है। अब दोस्तों, भारत ने ये खबर 15 जून को दे दी और आज डेट हो गई है दोस्तों 21 जून। 21 जून के मौके पर यह खबर आई है कि रशिया चाइना का अब सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है और चाइना अब रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया से तेल अब कम आ रहा है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि सऊदी अरब के शेखों को यहां पर लल्ले पड़े हुए हैं। दो बड़े देश, चाइना तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की खपत चाइना के अंदर होती है, लेकिन वहां पर दोस्तों अब रशिया से तेल आ रहा है, सऊदी अरेबिया से नहीं आ रहा है। और इससे आपको पता लगा होगा कि सऊदी अरब के शेखों की कमाई कम होने वाली है। लेकिन शेखों ने भी घाट घाट का पानी पी रखा है दोस्तों। शेखों का तेल भारत और चीन में कम बिक रहा है ना, शेख फिर भी अपने नोट छाप रहा है। आप कहोगे कैसे? दोस्तों, भारत और चीन रशिया से अब ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं ज्यादा तेल? क्योंकि रशिया यूरोप को अपना तेल बेचता था, वो तेल अब यूरोप के अंदर कम जा रहा है और वो तेल अब भारत और चीन के अंदर आ रहा है सस्ते रेटों में। लेकिन जो यूरोप की कंट्रीज हैं, उन्हें भी तो अपने देश के चलाने के लिए तेल चाहिए, उनके भी जो बड़े बड़े रिजर्व पड़े हैं उनको भरने के लिए तेल चाहिए। तो वो तेल कहाँ से आ रहा है दोस्तों? वो तेल इन शेखों से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों, एक चपेट मारता है कोई व्यक्ति दूसरे के, तो दूसरा तीसरे के चपेट रख देता है, तीसरा चौथे के चपेट रख देता है। ये हाल चल रहा है दुनिया की तेल मार्केट के अंदर। लेकिन जरूर सऊदी अरेबिया की कमाई पे कोई ज्यादा असर ना पड़ता हुआ दिखाई दे, बल्कि सऊदी अरेबिया की कमाई पिछले के सालों से ज्यादा हो रही हो, लेकिन सऊदी अरेबिया को मलाल तो रहेगा ही, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया दुनिया के दो सबसे ज्यादा तेल खपत करने वाले देशों के अंदर सबसे बड़ा सप्लायर देशों में से गिना जाता था, अब उसका नंबर गिरते पर गिरता जा रहा है। यह सऊदी अरेबिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, देर नहीं तो सवेर, शेखों की जो दादागिरी है उसको ख़त्म करने के लिए हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल भी ला रहे हैं, और बेसिकली आने वाला भविष्य इन शेखों से भारत की जान छूटने वाली है, इसी ओर ही दिख रहा है। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? शेखों को अब भारत ने पटकनी दी है, चाइना ने भी पटकनी दी है, और अब उससे कम तेल मंगा रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।